आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन, लिए गए विभिन्न निर्णय। सिवनी जिले के थाना धूमा में आने वाले महापर्व दुर्गा उत्सव को लेकर नायब तहसीलदार एवं थाना प्रभारी ने शांति समिति का आयोजन किया। धूमा के सभी दुर्गा पंडालों के अध्यक्ष एवं पंडागढ़ एवं सभी व्यापारी बंधुओं को एवं जन प्रतिनिधियों को बैठक में बुलाया गया। इस दुर्गा उत्सव महापर्व को शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जाए और जिस दिन दशहरा रहता है उसी दिन सभी मूर्तियों का एक साथ विसर्जन हो, यह दुर्गा उत्सव महापर्व है एवं चल समारोह शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न हो। इस हेतु प्रशासन ने दुर्गा पंडाल के अध्यक्ष एवं पंडागणों और जन प्रतिनिधियों तथा व्यापारी बंधुओं से आग्रह किया। सभी व्यापारी बंधु एवं दुर्गा पंडाल के सदस्यों ने भी एकजुट होकर दशहरा के दिन ही सभी दुर्गा जी का चल समारोह निकलेगा और इसी दिन एक साथ दुर्गा जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा, ऐसी सहमति सभी समितियों ने दी। शांति समिति की बैठक में राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार, एमपीबी से जेई और वन विभाग, ग्राम पंचायत सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी इस बैठक में उपस्थित हुए एवं सभी ने अपने अपने कार्यों की जिम्मेदारी ली और इस महापर्व को शांतिपूर्ण मनाने की एकजुटता दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस न्यूज नेटवर्क, सिवनी। शासन प्रशासन के यही निर्देश रहेंगे कि सभी लोग शांति और सौहार्दपूर्वक अपने त्योहारों को मनाएं और जो भी समितियों की व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से संचालित करते रहें। समय समय पर शासन प्रशासन को सूचना देते रहें जो वो कर रहे हैं और ऐसा ना हो कि कोई अव्यवस्था हो। नवरात्रा के उपलक्ष्य में जो जुलूस निकलने वाले हैं तथा धूमा में जो महाकाली का भव्य आयोजन होता है, जो दोनों मतलब अलग अलग दिन विसर्जन होते हैं, तो वो सुनिश्चित किया गया है तथा धूमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने दुर्गा प्रतिमा है तो दशहरे के दिन ही उनका मतलब विसर्जन के लिए सभी समितियों के सदस्यों को बता दिया गया है, तो वो इस बात की सहमति भी दे दी है कि उसी दिन वो दशहरा के दिन ही करेंगे ताकि अव्यवस्था न हो।